इस वक्त मिडिल ईस्ट में इसराइल हमास हिजबुल्ला और ईरान के बीच में जिस तरह के का युद्ध चल रहा है उसको भारत के संदर्भ में हम देखें जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है हमारे साथ कर्नल पवित्रन हैं जो कि सेना से रिटायर्ड अधिकारी हैं साइबर और फ्यूचर वॉरफेयर के जानकार हैं कर्नल पवित्रन आपसे जानना चाहूंगा इसराइल ने जिस तरह से युद्ध को एक नए तरीके से मोड़ दिया पेजर से बम बनाया लेटेस्ट मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है इन वेपन्स को आप कैसे देखते हैं तो इन uh, वेपन्स को हम लॉजिकली स्नोडन रेवल्यूशन का एवोल्यूशन uh, uh, की तरफ देखते हैं एंड इसको इंफॉर्मेशन कॉल इट इंफॉर्मेशन वॉर ओडली, बिकॉज इट इज वेपनाइजेशन ऑफ द आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीडियम दिस आई वुड से इज एवल्यूशनरी अप्रोच टू वॉफ एय इट नॉट रेवल्यूशनरी पर से दिस ऑलवेज पॉसिबल एंड नाउ दे वेपेनाइज इट ना हाउ दे वेपनाइज इट इज इट अगर उन्होंने उनके अंदर बारूद uh, uh, लगाया या बैटरी को ही मतलब वेपन बना दिया ये तो आगे पता चलेगा अभी तो सब कुछ अनुमान के ऊपर है और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं क्योंकि वॉर हमें लगता है कि अब आगे और बढ़ेगी आ, किस तरह के फ्यूचरिस्टिक वेपन का इसराइल इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इसराइल ग्राउंड पर ज्यादा ऑपरेट नहीं करता है चाहे हम मिसाइल की बात करें रॉकेट की बात करें इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन पेजर की बात करें मोबाइल की बात इस तरह की चीजों पर इस्तेमाल करें आगे आप इन फ्यूचरिस्टिक वेपन को कैसे देखते हैं किस किस तरह का इसराइल और इस्तेमाल कर है तो इसको लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप में लेके जाए So, uh, uh, they will use artificial intelligence. Artificial intelligence means, these uh, same weapons, um, they will uh, ensure that they can recognize the person and target the person individually. you In know, already done Iranian scientist. Ko, they um, uh, assassinated using a weapon, who, uh, which people say um, is a target, uh, targeted him at a distance by recognizing him, and then self-imploded, so that people could not do the investigation. So, how do they do it? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदमी को पहचान नहीं कर सकता उनको पता नहीं है कि ईरानी है या इसराइली है पर इन लोग क्या करता है ये बायोमेट्रिक डेटा से फिंगर प्रेंट, प्रेंट, uh, से फिंगरप्रिंट आई प्रिंट फेशियल सॉफ्टवेयर उसी करेगा सो दिस इज द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप दिस यू विल स्टार्ट सी इंक्रीजिंगली ऑन द बैटल फील्ड और अगर हम वेपनरी में देखें जो जिस तरह की मिसाइल रॉकेट हाइपरसोनिक मिसाइल इनका इस्तेमाल हो उसमें और किस तरह की चीजें इसराइल करेगा आने वाले दिनों सो so, um, मिसाइल्स एक्सेट्रा काफी देर से मिडल ईस्ट में है द ओनली थिंग बट इसराइल हैज न्यूट्रलाइज दिस बाय बिल्डिंग समथिंग फॉर कॉल्ड द आयरन एंड दैट इज फॉर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बट द बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच कम एट मच हायर रेट दे आर नॉट एबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज सो हाइपरसोनिक मिसाइल इज द नेक्स्ट स्टेप वेयर दे से देयर इज नो डिफेंस सो फार बिकॉज इट इज एट मल्टीपल टाइम्स द स्पीड ऑफ यू नो साउंड सो उसी के लिए आज तक डिफेंस नहीं है but increasingly precision guided bansakta okay? hai. so that is the logicalness of a traditional warfare. but uh, this uh, information warfare, like i said, will be increasingly precision guided, uh, you know, uh, uh, ammunition or it can be drones, etc., which will recognize individuals and target them, you know, using biometrics. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो भारत के लिए क्या चैलेंजेस आप देखते हैं चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चैलेंज को देखें या फिर आ, जो फ्यूचरिस्टिक को हम वेपन्स की बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक सो इंडिया वी आर ट्राइंग टू गेट इन टू दिस डोमेन बट हमने एक दो बड़ा गलती किया है हमने इंफॉर्मेशन एज में विदाउट प्रिवेसी वी हैव एंटर्ड तो हमारा आधार वगैरह जो बायोमेट्रिक कैप्चर हुआ है सबको पता है कि ये सब कुछ फॉरनर्स uh, लेके गया है बिकॉज हमारे ही यू नो आईसीटी डिवाइस से ये कैप्चर नहीं हुआ है सो ऑल दिस लीकिंग आउट एंड द इंक्रीज डिजिटलाइजेशन विदाउट टेकिंग केयर ऑफ प्रिवेसी एस्पेक्ट एंड अलाउिंग आवर डेटा टू गो एब्रॉड एंड इवन इन द मिलिट्री आई एम टोल यू नो स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा विच आर फॉरन हैंडसेट्स इसी में बायोमेट्रिक्स किसी और के पास चला जाएगा कल वो किसी और को भी ऑपरेंट्स को भी बिक्री हो सकता है एंड दे कैन यू नो टारगेट आर सोल्जर टू द लास्ट जनरल एक्सेटर कैन बी पर्सनली बी रिक्नाइज सो दिस इज हाईली डेंजरस थिंग सो आई थिंक वी आर नॉट सो प्रिपेयर फॉर सच अ वॉर वी हैव नॉट इवन लुकड एट इट इन अट्रेटेजिक मैनर टू यू एक फाइनल क्वेश्चन कि इस वॉर का फ्यूचर क्या देख रहे हैं कितने आगे तक किस लेवल तक ये बढ़ेगी वेपन्स के मामले में टेक्नोलॉजी के मामले में सो द इमीडिएट मिडिल ईस्टर्न वॉर व्हेन मिडिलोकेटेड इसराइल वेरी ओपनिंग स्टेजेस फ्रॉम द नो अक्टूबर सेवन वेर देव अटैक्ट दे हैव नो न्यूट द लीडरशिप they have take, you know used uh, deep penetration to take out uh, nasrallah the leader they have also you know they have uh, they have used those pages beautifully just imagine dusra uh, ek opposing force ko unhi ka plan unka dimag idea ki smartphone dangerous unse pager and pager they themselves are supplying that's a beautiful intelligence operation which has been done so let us see how this will go ahead but having said that um, Israel is going to score brilliant tactical victories, but strategically, Iran is a much bigger and stronger force. Uh, if you look at the entire Shia crescent, which they call uh, Israel, is fighting a seven front war is, as per their own this. That is Hamas in uh, Gaza, uh, Hezbollah in Lebanon and uh, uh, in Syria. Uh, then in Iraq, they have got multiple militias which are there. Then the Houthis are there. Uh, then Iran itself. So all these, when you look at it, and Israel ka population ka strength around 10 million, uh, Iran is approximately 90 million. So that's a big, you know, and if you look at the targeting of, uh, if they, for counter strike, for the strikes they have done, oil industry uh, if you try to, uh, you know, target, that means uh, inflation will hit the global economy, which is not helping the Democrats in the election in the US. If you try to go for the nuclear uh, option, they do not have the capability to using conventional methods to target the uh, Iranian nukes, which for this they will need American help um, using b two bombers and massive ordnance you know much bigger weapons, which as of now, President Biden has so it's going to be a challenge. Let us see how it involves, but cyber is one method in which they would have prepared for this. I'm waiting to see what further innovations we can see uh, out there. What? तो कर्न पवित्रन ने बहुत बेहतरीन जानकारी हमें दी कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन वारफेयर का इस्तेमाल इसराइल कर रहा है और आने वाले दिनों में अगर हम इसराइल ईरान के युद्ध को देखें तो और ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल इसमें होगा कैमरामैन अनिल के साथ मंजित नेगी दिल्ली आज तक